अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आपको लेकर चलते हैं हम दानिश भाई के यहाँ बकरों का शौक दिखाने के लिए। दानिश भाई ने कबूतरबाजी में तो बड़ा नाम कमाया दिल्ली में, माशाल्लाह द किंग ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर हुए और दिल्ली कबूतरबाजी में सदर का भी खिताब मिला और कबूतरबाजी एक जुनून ने उनको का मान सम्मान भी करा। सर्दियों में 350 हैदराबादी दौड़ाए थे, फिर गर्मियों में 350 हैदराबादी दौड़ाए, और अभी इत्तफाक कहिए या दानिश भाई का शौक कहिए या उनका कोई ख़ास आंकड़ा है या जो भी आप समझें, ये इस वक्त जो है हमारे सामने आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बकरे भी दानिश भाई ने 350 ही जमा कर रखे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे वाइट सोजत नस्ल है। हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट है राजस्थान और राजस्थान में एक जगह है सोजत, तो वहाँ की ये नस्ल है। तो तकरीबन एक एक बकरा 100 किलो से ऊपर का है, 150 किलो 200 किलो तक के बकरे भी हैं इसके अंदर। डिटेल वीडियो आप हमारे साथ जुड़ रही है आखिर तक, हम आपको सारे बकरों के पास लेकर चलेंगे, एक एक बकरा दिखाएंगे आपको। फिलहाल आपके सामने ये है दानिश भाई का चौक, 350 बकरे हैं ये कुर्बानी के लिए जमा करे दानिश भाई ने, और ये बिक्री के लिए एक भी बकरा नहीं है, ये दूर दूर से खुद जाकर राजस्थान से लेकर आते हैं, लेकिन ये फोर सेल एक भी बकरा नहीं है, सारे कुर्बानी खुद ही करते हैं अपने घर में ही करते हैं, और फिर उसके बाद इनको जो है ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया जाता है, उनके घर तक पहुंचाया जाता है। ये आपके सामने दानिश भाई का हमारे साथ जुड़े, देखिए आप चारों तरफ देखेंगे, मैं 360 व्यू दिखा रहा हूँ आपको, मेरे चारों तरफ आजू बाजू में आपको सिर्फ और सिर्फ बकरा ही दिख रहा होगा, पीछे ये और कुछ बकरे हैं अंदर की तरफ, और फिर अंदर एक और जगह है जिसके अंदर सुल्तान नाम का बकरा है, वो भी अंदर है। हम आपको सारे बकरे दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार बकरे हैं, देखकर तबीयत खुश हो गई, आपको भी यकीनन पसंद आएगा इनका शौक दानिश भाई का, 350 कबूतर दौड़ाना सर्दी में, 350 दौड़ाना गर्मी में, और फिर 350 बकरों की कुर्बानी करना, तो ये कुछ खास आंकड़ा है दानिश भाई का, या इत्तफाक है जो भी है। अभी दानिश भाई मिलेंगे तो उनसे मुलाकात करके हम उनसे बात करेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो दोस्तों का शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और चैनल पर जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल का उतरवादी एक जुनून पर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जमूर आपके हजूर हाजिर एक नई वीडियो के साथ, और आज हम एक बार फिर आए हैं दानिश भाई के पास, हाजी दानिश इलाही दरियागंज में। माशाल्लाह इनका कबूतर का शौक तो आपने देखा ही था, सर्दियों में भी इन्होंने 350 हैदराबादी दौड़ाए थे और माशाल्लाह मज़ा आ गया था, समा बांध दिया था, और फिर गर्मियों में 350 हैदराबादी दौड़ाए पूरी दिल्ली देखे, आपने भी हमारे चैनल के जरिए से यूट्यूब पर देखे होंगे, और माशाल्लाह बड़ा कबूतरबाजी में तो बड़ा नाम कमाया है, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत और बुलंदियों से नवाजा है इनको, द किंग ऑफ दिल्ली कबूतरबाजी में खिताब मिला है, और दिल्ली के सभी उस्तादों ने इनको सदर मुंतखब किया कबूतरबाजी का, कोई भी फैसला होता है तो इनके यहाँ पर आकर होता है। माशाल्लाह कबूतरबाजी के जुनून ने आपने देखा होगा, उन्होंने कबूतरबाजी के जुनून ने भी इनको सम्मानित किया था माशाल्लाह इनके शौक के लिए। तो आज हम आइए आपके पास, आपको लेकर चलते हैं इनके बकरों के शौक में, 350 सर्दियों में हैदराबादी दौड़ाए, फिर 350 गर्मियों में हैदराबादी दौड़ाए कबूतर, और 350 ही माशाल्लाह कुर्बानी के बकरे जमा करें। तो पहले तो हम आंकड़ों की बात करते हैं, तो क्या ये इत्तफाक है या कोई खास आंकड़ा है जो दानिश भाई ये 350 जो है अपना कबूतर भी दौड़ाए 350 और बकरी 350, इस बारे में क्या कहना है आपका? वालेकुम अस्सलाम, ये माशाल्लाह हर साल का ऐसा ही है, इतने बकरे ही कुर्बानी होती है माशाल्लाह हर साल। अच्छा, और ये हमारी हमारी कोई आखरत या हमारी कोई औकात नहीं है, सिर्फ ये अल्लाह का हुक्म की बात है, ये सिर्फ अल्लाह काम लेने वाला है, ना हमारी कोई औकात नहीं। तो ये 350 इत्तफाक है या फिर कोई खास ये नंबर है? दादा के टाइम से ही चला आ रहा है इतने। अच्छा, इतने बकरों का, तो इसमें कुछ बकरे आप ला कर बेचते भी हैं, सारे अपने कुर्बानी के हैं? सब अपनी कुर्बानी के हैं, ये सब घर बेच कर कुर्बानी। तो कहाँ कहाँ से आपने ये जमा करे? हम राजस्थान की पार सिटी से लेके आए। अच्छा, तो अभी आप गए थे तो हमने देखा रास्ते में कुछ गाड़ी हादसा भी हो गया था, कुछ गाड़ी में एक गाड़ी पलट गई थी कच्चे में। अच्छा, उसमें तीन बकरे मर गए थे। तो जो एक एक बकरा कितने कितने किलो का जो था वो मरा है उसमें? एक बकरा 125 किलो का था, दो बकरे 80-80 किलो। एक बकरा 125 किलो का और दो बकरे 80-80 किलो के, जो गाड़ी रास्ते में कुछ कच्चे जगह आ गई थी, टायर दस गया तो पलट गई थी। अल्लाह ने रहम करा कि गाड़ी में दानिश भाई भी थे और बकरे भी थे, बाकी सब खैरियत से आ गए। तो ये बकरे आप देखेंगे हमारे फराज भाई दिखाएंगे, तो सारे बकरे वही हैं। वीडियो हमने डिटेल में बनाई है, हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक, इधर आ जाओ बस।
वीडियो हमने पूरी डिटेल में बना रखी है, आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए, आपको पूरी एक बकरे की वीडियो दिखाएंगे सारी माशाल्लाह। तो ये किस तरीके से कितने दिन, एक ही पहले दिन कुर्बानी हो जाती है, कैसे क्या तरतीब रहती है? तीनों दिन कुर्बानी, तीनों दिन तो बराबर बराबर के इससे क्या कैसे करते हैं? बराबर मतलब सारे बकरे 300 बांट के आज एक हिस्सा एक कल एक, इनकी तकसीम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? तकसीम ये ज़्यादातर में और जो गरीब गुरबाए लोग हैं वहाँ पैकेट बन बन के चले जाते हैं। अच्छा, ज़रूरतमंदों का घर तक पहुँचाते हैं? अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है कि आप घर से आके कौन लेके जाते हैं, आप उनके घर तक पहुँचाते हैं? तो ये लोग घर पे भी आके ले जाते हैं, घर पे भी आके ले जाते हैं और आप पहुँचा देंगे ज़रूरतमंदों तक। तो ये आपके तकरीबन कब से चली आ रही है परंपरा? दादा के टाइम से दादा से मतलब जो है हाजी इनायत दिलाई, माशाल्लाह दिल्ली की बड़ी मशहूर और नामी ग्रामी हस्ती गुजरी है, अल्लाह उनकी मगफरत करे माशाल्लाह। तो ये हमारे दादाजी भाई उनके पोते हैं, तो आपने भी ये फिर कायम रखी है कि वैसे ही चली आ रही है? अच्छा, तो इसमें आप कितने कितने की कीमत का बकरा है तकरीबन? इसमें 30,000 रुपये से लेके 2,50,000 रुपये तक का होगा। 30,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है दादी भाई की आवाज़ कम आ रही हो तो मैं रिपीट आपको कर रहा हूँ सुना रहा हूँ, 30,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक का बकरा है इसके अंदर। और वजन की अगर हम बात करें तो कितने किलो तक का बकरा हुआ? इसमें सबसे ज़्यादा वजन का बकरा 200 किलो, 200 किलो का सबसे ज़्यादा वजन का सुल्तान है मेरे ख्याल में, उसकी हमने वीडियो बनाई है, आप देखिएगा एंड तक। सुल्तान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है। और तकरीबन एवरेज वजन क्या होगा बकरों का अगर हम निकालें तो? एवरेज वजन 100 से ऊपर के सारे बकरे अगर हम एवरेज की बात करें बकरों की तो माशाल्लाह। और ये आपके सामने दानिश भाई का शौक है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है, अल्लाह पाक इसी तरीके से जो है अपनी नेमतों से दानिश भाई को नवाजता रहे। और ये हमारे साथ में फैसल भाई, फैसल भाई कुछ कहना चाहेंगे दानिश भाई के शौक के बारे में बकरों के? भाई कहने के लिए लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि भाई कबूतर में भी सबने देखा और माशाल्लाह बकरों में कोई जोड़ नहीं है, बेमिसाल भाई शौक भाई का, और भाई का क्या बताऊं मैं, किंग होता है किसी के कह देने से कोई किंग नहीं जाता, लेकिन उसके काम से उसकी चीज़ों से देख के आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 बकरे कुर्बान करना, और इसमें एक भी बकरा सेल का नहीं है, सारे खुद लाकर जमा करते हैं। कुछ बकरे जो हम अंदर की तरफ हैं जो हमने दिखाए हैं आपको, जिनमें सुल्तान भी है, ये पूरे साल की मेहनत है। और सबसे बड़ी तो भाई सबसे बड़ी बात है बड़ी खुशदिली के साथ खुद चाहते हैं लेने, और भाई खुद देख लो आप लगे रहते हैं बकरों में, जब तक माशाल्लाह कुर्बानी का लास्ट दिन नहीं हो जाता बकरों में, रात दिन सारे भाई और जो लड़के हैं ये फराज भाई आपको सेटअप दिखाएंगे माशाल्लाह, लाइट का पानी बकरों के लिए करा भाई, सेटअप पूरा बहुत शानदार माशाल्लाह, पंखे पिलो कूलर सब अरेंजमेंट कर रखी है बकरों के लिए माशाल्लाह, लगे रहते हैं भाई सब। ये माशाल्लाह रोशनी का इंतजाम ऊपर की शेड पड़ी हुई है, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए बोलो, फ्लोर है, पंखे हैं, हर चीज का बेहतरीन इंतजाम है माशाल्लाह। और दानिश भाई खुद उसकी देखभाल करते हैं, और बहुत सारे देखभाल कितने लोग रखे हैं आपसे? 15 लड़के की देखभाल के लिए रखे हुए माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया हमें। तो दोस्तों आपको कैसा लगा दानिश भाई का शौक ये बकरों वाला, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो लाइक पसंद आई हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे साथ जुड़े किसी तरह की और वीडियो देखने लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कबूतर वाली के रूम में। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है। ये देखिए आप माशाल्लाह चारों तरफ आपको जिधर नजर जाएगी बकरे ही बकरे नजर आ जाएंगे। अंदर वो तालेमंद हैं, लोग हैं, उनको आप दिखाएंगे तो जरूर हाँ। वो अंदर वाले जो बकरे वो कितने कितने किलो का वो हो गया वो सलमान भाई? 150-200 पहुँच गए होंगे। सुल्तान कितने का हो, कितने वजन का होगा? सुल्तान होगा लगभग 195। अच्छा, 190 केजी का। तो इसमें एक ही नस्ल है और भी है, कुछ अजमेरी भी बता रहे हैं कि अजमेरी भी हैं, सोजत भी हैं, और बकरियाँ इनके अलग हैं, 300 से अलग हैं बकरियाँ। हाँ, वो वहाँ पे दूसरी वाली।
ये देखिए आप माशाल्लाह, ऐसा अलबेला शौक आपने अभी तक नहीं देखा होगा, खास करके दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि रख रखाव बहुत अच्छा है दानिश भाई का, इंतज़ाम बहुत अच्छा कर रखा है बकरों के लिए। शेड है, टीन शेड है, लाइटिंग का बहुत अच्छा प्रॉपर इंतज़ाम है, सीलिंग फ़ैन भी हैं, एग्जॉस्ट फ़ैन भी हैं, और तूफ़ान भी हैं, ब्लोअर भी लगा रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ लाके जमा कर रखी है, पूरा उनके आराम का पूरा इंतज़ाम कर रखा है, उनका दाना खिलाने का सिस्टम बहुत अच्छा है। ये हम आपको दिखा चुके हैं, ये भी खोलेंगे फिर दिखाते हैं आपको। ये अंदर वाली लोड खुलने की तैयारी हो रही है। ये क्या डाला हमने, चना? ये भाई चना डाल रहा है। अच्छा, ये सिर्फ चने खाते हैं? वो भी खाते हैं भाई। और लौंग पत्ती? लौंग पत्ती खाते हैं। अच्छा, अच्छा पहले चना खिलाते हैं फिर लौंग पत्ती और जौ मिक्स करके खिलाते हैं। ये बकरे खुलने के लिए तैयार है अंदर। सुल्तान भी इसी में ही है? हाँ जा ले आओ। ये देखिए माशाल्लाह शानदार लाजवाब। ये देखिए इनके वजन की वजह से जो है इनको चढ़ने में ऊपर और चलने में जिस तरीके से चढ़ रहे हैं आपको अंदाजा हो सकता है इनके वजन का। एक एक बकरा 150 किलो से ऊपर का है, 150 kg एंड अबव, इसमें 200 किलो तक का भी बकरा है। ये घर के पाले हुए बच्चे हैं दानिश भाई के। ये एक साल है? एक साल के। ये सुल्तान? ये सुल्तान का भाई है। ये माशाल्लाह 200 किलो का बकरा है। अभी सुल्तान भी आने वाला है, इनका नाम रखा हुआ है उन्होंने सुल्तान। बहुत खूबसूरत बच्चा माशाल्लाह। ये आए सुल्तान, आओ इधर लाओ, आओ। ये माशाल्लाह 200 किलो का बकरा है सुल्तान। ये हाइट देखिए आप माशाल्लाह, बहुत ही शानदार। सफेद आंख का बच्चा है, पूरा भरा हुआ है माशाल्लाह। हाइट देखिए आप, उनका सर जो है ना वो ऊपर तक कंधे तक जा रहा है, बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह। सारे बकरे ये इन्होंने प्यार से इसका नाम सुल्तान रखा हुआ है। इसका भाई का नाम बादशाह है। ये बादशाह सलामत है, ठीक है। आ गए सारे, आ गए। फोटो क्लिक करो। खाने का टाइम हो रहा है इसलिए।
वो दाने पे लग गया। ये नहीं है वो आगे, ये नहीं है आगे आगे, ये भाई है सुल्तान का बादशाह। माशाल्लाह सीना देखिए खूबसूरत शानदार है, अल्लाह नजर से बचाए, बहुत ही अलविदा। ऊपर दिखाओ इनका मुंह, लाजवाब माशाल्लाह। चलो खाने दो खाने दो। ये बाहर है सारे में, उनका दाना हो चुका है, अब इनका बारी है। ये फराज भाई फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं साथ में। हाँ 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 जाओ। तुमसे संभलेगा नहीं है, चढ़ जाएगा। लो